सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंदना में विधायक निधि से पीसीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। विपक्षी द्वारा तीन बार बन रहे रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय पुलिस चौकी विवाद रोकने में असफल रही है। आज जब विपक्षी पुनः फावड़ा लेकर रोड को कोड़ रहे थे तो पास की ही कुछ महिलाओं और पुरुषों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों को बुरी तरह पीटा है। बीच बचाव करने गई दो नाबालिग अनुसूचित जाति की लड़कियों को भी मार पीट कर उनके कपड़े फाड़ दिए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार सिंह को भी दबंगों ने जान से मारने की नियत से लाइसेंसी बंदूक से उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें ग्राम प्रधान किसी तरह भागकर अपनी जान बचाए हैं। इस मामले में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से दबंग अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है। क्या घटना घटी है आपके गाँव? हमने के तवन वही रोड बनने के खातिर के मार पिटौल होता, सब बापे पुते सब घर भर परानी मारना है। कौन लोग हैं मारने वाले आप लोग? सोनम, राकेश तिवारी, संदना। तो क्या मामला था कि मारपीट हो गई आप? वही मतलब सड़क बनने खातिर के पानी बहने खातिर के उजाड़ के यहाँ से ना है जमीन, तू लोग के भागा यहाँ से, भगावत हुआ सब। आप लोग रोड पे काम कर रहे थे? ना ही रोड पे हमने काम नहीं कर लिया, मतलब वही जो हमने के घर है द्वारिये पर। तो रोड बन रहा है तो उसको रोका जा रहा है? हाँ रोका, वही पर मर क्यों नहीं कोने फरसा से कहीं का कहला राम डंडा से फरसा से मारे लगना सब, यही बात है। अभी चौकी पे आए हैं, क्या कार्रवाई हुई है? हाँ चौकी पर आए हैं, अब यहाँ से थाना पे जाएगी कार्रवाई होगी। और लेने था मेडिकल नहीं भेजा जा रहा है? नहीं अभी मेडिकल आप जाते हैं बनवावे जी, लाठी चलाते हैं। कौन लोग थे मारने वाले? और चमार लगा के गाली देते हैं। किसने मारा है आपको? किसने मारे? सोनम जी मारे हैं, कहाँ मारे हैं? तीन उसका पिताजी मारे हैं, माता जी मारे, वो मारे हैं, तीन लोग मारे हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि रोड बन जाएगा, नाली भी निकल जाएगा। थाने से क्या आशा? करवाई के बीच में जा करके रोड खड़ रहे हैं, एक बाद जाके मार रहे हैं, तीन फैर मारे, एक बाद बचा गया, एक बाद सब ऐसे फंसा रहे हैं, ऐसे दम मार मार कर दबा रहे हैं। फायरिंग की गई है वहाँ जी? किसके द्वारा फायरिंग की गई है? जी हमारे द्वारा, सड़क के द्वारा फायरिंग करके अपन इतनी हक लेने के लिए दौड़ा हुआ, फिर सब मारे दौड़े थे। किसने चलाया था हवाई फायर? क्या नाम उनका? ये सोनम है, सोनम की वाइफ। सोनम की वाइफ जी। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि वो आबादी है, हम उनके मैदान लड़ने गए, उसके बाद सब कुछ के उनके सुविधा चाहिए, कार्रवाई हो। यहाँ पर घटना यही घटा है कि रोड के मामला में लेकर बार बार लड़ाई हो रहा है। ये तीन बार प्रधान जी बनवा कर गए हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, बार बार आके कहते हैं कि हमारे जमीन में बना हुआ है, हमारे जमीन में बना हुआ है। तीन बार खन दिया गया, चौथे बार पुलिस के साथ होकर काम करवाया गया, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, फिर भी आज के डेट में खन दिए हैं। कौन नहीं मान रहा है? राकेश तिवारी, सोनम तिवारी और उसकी माँ है। तो क्या और क्या घटना आ गई, क्या हुई? घटना हुआ जब प्रधान जी को हम लोग फोन किए, प्रधान जी मुर्दात पे आए तो प्रधान जी के साथ भी गोलीबारी किया गया, गोली प्रधान के ऊपर भी गोली चलाया गया। उसके बाद एक हमारे भाई हैं मल्लू, जिनके ऊपर भी गोली चलाने का प्रयास किया। जब वो लोग जान गए गांव वाले जुट रहे हैं तो उनको डंडे डंडा मार के उनको बेहोशी हालत में कर दिया गया। जब तक वो बेहोश नहीं हुए तब तक उनको छोड़ा नहीं गया। और कितने महिलाओं को भी मारा गया है? यहाँ तीन महिलाओं को, दो महिलाओं को मारा गया है, दो लड़कियों को मारा गया है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मारा गया है। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई? प्रशासन द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या मेडिकल तक नहीं हुआ? मेडिकल भी नहीं हुआ है अभी। क्या कहा गया है? कहा गया है कि थाने पे चले जाओ, थाने पे चले जाओ, थाने पे। अभी बताइए रात को हम थाने पे कहाँ जाएं लेकर? तो यही है हमारी योगी सरकार में यही गुंडागर्दी चल रही है। तो हम लोग इंसाफ से आइए, हम लोग को लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं, हम लोग को इंसाफ से मतलब है। मैं ग्राम का प्रधान प्रतिनिधि हूँ, अशोक कुमार सिंह। विधायक निधि से वहाँ पे पीसीसी बन रहा है, सोनम तिवारी, राकेश तिवारी और संध्या त्रिपाठी वहाँ पर जाकर इंटरलॉकिंग कबार दिए, तीन बार उसको जोड़वाया गया। आज जिसका वहाँ घर है उसको मारे पीटे, हम मौके पे गए तो हमको बंदूक लेकर दौड़ाए थे मारने के लिए। आपको ऊपर फायर किया गया? हाँ। क्या चाहते हैं सरकार से? कार्रवाई। ये जो रोड बन रहा है इसके लिए पहले भी थाने में आपने एफआईआर लिखवाया है क्या? हाँ। तो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? नहीं, गए थे मौके पर, गए थे बताए, लेकिन ये लोग आकर रात में तोड़ दे रहे हैं उसको।